तो हमारे साथ हैं मदन लाल कलकल जी, जिनसे जानते हैं कुछ इनके विचार विशेषकर। कलकल जी नमस्कार, लाल न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप यानी कब से प्रैक्टिस में हैं? मेरे को सर प्रैक्टिस में लगभग 23 साल हो गए। दिल्ली कोर्ट में कर देंगे, अदर कोर्ट में जाते? मेरे को तो ये तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, अगर उसकी कैपेसिटी हो तो इंडिया से बाहर भी ले जाए। अच्छा, तो वकील साहब थोड़ा हम जानना चाहेंगे, लोग जो लॉकडाउन से परेशान हैं, बहुत ही तीसरे महीने से, मार्च महीने से लेके अब तक परेशान हैं, इसमें सभी यानी परेशान तो हैं ही, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे, इससे क्या लोगों को नुकसान हुआ है, क्या यानी इससे आगे जाके कब तक उभरेंगे लोग? देखिए, जो लॉकडाउन की बात आपने रखी है, लॉकडाउन पैदा हुआ है कोरोना नाम की एक महामारी से। कोरोना नाम की महामारी जब शुरू हुई थी भारत में, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था और आर्टिकल मेरा छपा भी है, कई सारे जो छोटे मोटे पेपर हैं उनमें भी छपा है। इनफैक्ट हमारे भारत के अंदर ये कोरोना नाम की बीमारी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, और इस महामारी से भारत के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जिस लेवल की इस बीमारी को आंक रहे थे, अगर उस लेवल की ये बीमारी होती तो भारत में लाख दो लाख मौतें नहीं होती कोरोना से, करोड़ों में मौत होती, और वो करोड़ भी एक दो नहीं होते, कम से कम 22-24 करोड़ आदमी भारत का मरता। परंतु कोरोना नाम की बीमारी भारत के अंदर बिल्कुल इनफेक्टिव है। हाँ, दूसरी तरफ सरकार को इस कोरोना की वजह से देश को पीछे करने का और देश को लूटने का, देश की सरकारी कंपनियों को बेचने का मौका मिल गया, और कोरोना के नाम से जो भारत के अंदर 144 लगाया हुआ है, उसकी वजह से लोग विरोध नहीं कर पा रहे, इकट्ठे नहीं हो पा रहे, क्योंकि कोरोना में 50 या 100 से ज़्यादा आदमी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कोरोना का बहाना लेकर के इनके लिए, कोरोना इस देश की सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिल गई है, जैसे कहते हैं कि अंधे के नीचे पैर के नीचे बुटेर दब गई है, ऐसा कुछ इनको मिल गया है। अच्छा, हम बाकी देख रहे हैं पूरी साल बीतने को है, चली जा रही है, अभी जो लॉकडाउन तो है ही, लॉकडाउन का तो डर भय सबके लोगों के अंदर बसा हुआ है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम ये करेंगे। चीन के बारे में उन्होंने कई चीज़ बोली हैं कि चीन की कई एप्लीकेशन जो इन्होंने बैन की हैं, एक तरफ तो चीन के जो सामानों को बैन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे लोन भी ले रहे हैं, ये क्या चीज़? देखिए, ये जो सरकार है भारत के अंदर, जो सरकार चल रही है, ये सरकार नहीं है, ये है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इनकी कथनी और करनी में बहुत ही फर्क है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, 2014 और 13 के आसपास ले जाना चाहूँगा, जो आज हमारे ये बहुत बड़े जो नेता हैं भारत को, जिसको आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि जी युग पुरुष है वो, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो उस समय पे कहते थे कि भारत को लाल आंखें करके चाइना को दिखाना चाहिए, और जहां तक उसकी बात है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के ऊपर एकदम से चढ़ाई करनी चाहिए, अब डरने का टाइम उनका है, भारत का नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो चाइना इनके ऊपर अटैक करता है, दूसरी तरफ ये चाइना से कहते हैं कि भाई चाइना का माल बंद करो, आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी अपनाओ, अपने देश की जितनी भी इंडस्ट्री है उसको तुमने बंद करवा दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि चाइना का माल मत लो, चाइना का माल यूज मत करो। भाई हम तो कहते हैं कि चाइना के माल को भारत में लेकर के कौन आता है, मैं तो पैदल पैदल जाता नहीं हूं चाइना का माल खरीदने के लिए, या आप नहीं जाते हैं? बिना सरकार के चाइना का माल भारत के अंदर आ कैसे रहा है? पहले उसको लाना बंद करो, प्रयोग अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरी बात हम उठाना चाह रहे हैं कि देखिए, आज ये अपराध जगत है, और अपराध में देखिए कुकर्म भी बहुत होते हैं, चलते हैं, लेकिन क्या हम मानेंगे दलितों के साथ जितने भी अपराध होते हैं, इसमें उनको बिल्कुल भी निजात नहीं मिलता, क्या कारण मानते हैं? ये इस देश की मानसिकता है, इस देश के सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में बैठे हुए हैं लोग, और जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन लोगों की मानसिकता है, जो इस देश की जो दवा कुचला समाज है उसको न्याय नहीं देना चाहते, उनकी सोच नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि यूपी के अंदर बहुत कांड ऐसे हो रहे हैं जो कि बड़े
जघन्य कांड हैं और जिन पे बिल्कुल भी यानी कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनको पीड़ितों को और पीड़ित बनाया जा रहा है, इस विषय में क्या बोले? देखिए, वो मैंने बताया ना आपको, मैं तुलसीदास का एक दोहा बता देता हूँ कि समर्थ को ना दोष गुसाई, मतलब जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति हैं, या दूसरी तरफ कहिए कि जिसका बाप थानेदार, उसे डर किस बात का? जिनके लोग, जिनके चाचा ताऊ, जिनके मामा फूफा, जिनके रिश्तेदार सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। और बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि कानून के शिकंजे में, कानून एक मकड़ी के जाल की तरीके से है जिसमें छोटे मोटे कीड़े तो फंस जाते हैं और बड़े बड़े गिरगिट उसे तोड़ करके, फांद करके निकल जाते हैं। जो यूपी में या जहाँ भी देश में दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो बड़े गिरगिट होते हैं और वो उस कानून के जाल को तोड़ करके निकल जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए, कुलदीप सेंगर बीजेपी का विधायक यूपी में, उसने जिस लड़की के साथ में अत्याचार अनाचार किया, उस लड़की ने जब FIR कराने के लिए प्रशासन पर बात अपनी कही, तो पहले तो उसके बाप को मरवाया, बाप को मरवाने के बाद में जब वो अड़ी रही तो फिर उनके परिवार पर ट्रक चढ़वाया।